करके मर्डर किया गया है। हाँ, उसकी वाइफ का भी अफेयर चल रहा था, हमको शक है कि उसकी वाइफ और उसका ससुराल वाला उसको मिल के मारा गया है। ये सब उनका दोस्त था, उनके साथ संबंध किया था, आना जाना बना हुआ था, लोग आए थे थाना, थाना में आकर के इस तरह का मीटर था तो दोनों को समझा बुझा कर फिर दोनों रहने लगा फिर बढ़िया से। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के सूही टोला लेन में अहले सुबह 31 वर्षीय युवक ने अपने जन्मदिन के दिन ही लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की पहचान मुनिलाल रजक के छोटे पुत्र शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी नेहा निगम ने पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में बताया कि देर रात उसका पति शैलेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस लौटा और जब उसने अपने पति से भोजन करने की बात कही तो बाहर भोजन करने की बात उसने बताई, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई। उसके बाद सैलू अपने रूम में जाकर सो गया और वो अपने दोनों बेटियों के साथ डाइनिंग रूम में सो गई। अहले सुबह जब नेहा को ठंड लगने लगा और रूम में जाकर देखा तो पाया कि उसका पति पंखे में लटक रहा है। आनंद फानंद में उसने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पहुंचे और सैलू को मायागंज अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद ही मायागंज अस्पताल पहुंचे मृतक के बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई की पत्नी और उसके परिजनों और सहयोगियों पर ही भाई की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया है। करके मर्डर किया गया है, उसकी वाइफ का भी अफेयर चल रहा था बतन से पंडित जी का लड़का से। तो मतलब क्या कैसे जानकारी मिली आप लोग को? हम लोगों को रात में फोन आया, हम तो हुसैनाबाद में रहते हैं, हम लोगों को रात में फोन आया 2 बजे कैसे से आपका भाई आत्महत्या कर लिया है। तो हम लोग गए देखे कि पलंग पर पलेटा हुआ था, तो जब पुलिस आए पुलिस उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में ला के हम लोग बुलाए कि मृत्यु हो गया। उसके बाद थाना गए तो तारपुर थाना गए पुलिस को बुलाए तो वो पुलिस वाला पूछा लड़की से कि उसको खोला कौन, लड़की खुद खोली है उसकी वाइफ। क्या शक है आपको? हमको शक है कि उसकी वाइफ और उसका ससुराल वाला उसको मिल के मारा गया है। मृतक के बड़े भाई विजय रजक ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी नेहा निगम का पड़ोस के मोहल्ले के लड़के के साथ अवैध संबंध था और वो कई बार अपने प्रेमी के साथ घर से फरार भी हो गई थी। अवैध संबंध और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही उसके छोटे भाई की हत्या कर आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। वहीं लड़की के पिता राजू रजक ने भी अपनी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाते हुए कहा कि मेरी बेटी का दूसरे लड़के के साथ चक्कर था और वो अपने प्रेमी के साथ घर से फरार भी हो गई थी, जिसको लेकर एसटीएससी थाने में दोनों के बीच समझौता भी कराया गया था, दोनों ठीक से रह रहे थे। तो क्या करना है इसमें? ये सब उनका दोस्त था, उनके साथ संबंध किया था, आना जाना बना हुआ था, उनके साथ था, दोस्त था इनके। आपको जानकारी है इस मामले में? हाँ, जानकारी था, सबों को जानकारी था घर में, हम लोग आए थे थाना, थाना में आकर के इस तरह का मीटर था तो दोनों को समझा बुझा कर फिर दोनों रहने लगा फिर बढ़िया से। लड़का के परिवार वालों का आरोप है कि आपकी बेटी ही हत्या करवाई या क्यों है? नहीं, ये तो कल बर्थडे था, बर्थडे में जो है घर में केक उक कटा, केक उक कटने के बाद फिर जो है चल गए बाहर दोस्त के साथ, और दोस्तों के साथ 10:30 बजे पी उतर के आए, बोले कि ठीक है खाना वाना खा लीजिए, बोला नहीं हम बाहर खाए हुए हैं, इसलिए जो है फिर दोनों में जो है मतलब कुछ वाद विवाद बढ़ा। तो पापा को बोला कि देखिए गाड़ी क्लोज करो, बोला ठीक है तुम सो सुबह इनको समझा देंगे, तो अंदर सोया ही बाहर सोया, उसके बाद इस तरह घटना। आपकी बेटी बाहर थी? बाहर मतलब रूम में थे, रूम से बाहर थे, अथी में सोया हुआ था, बच्चा एक तो लेकर एक तो बच्चे के साथ सोया। संपत्ति विवाद का भी मामला आ रहा है? नहीं, सब कहीं कुछ है? कहीं कुछ कोई तरह का कोई मामला कोई संपत्ति के संबंध में कोई चर्चा नहीं, सब कोई सब। राजू रजक ने बताया कि अपने जन्मदिवस पर उसके दामाद ने शराब के नशे में आत्महत्या की है। वहीं ततारपुर पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, अब पुलिसिया छानबीन में ही पता चल सकेगा कि यह हत्या है या आत्महत्या।